इट्स रीवाइंड टाइम। अगर मैं फुटबॉल रीवाइंड कंट्रोल कर पाता तो मैं प्रोबेबली डालता ट्रांसफर्स, बहुत सारे गोल, बैलेंडोर एंड प्रोबेबली एक दो कंट्रोवर्सी, क्योंकि यही तो बनाती है हमारा ये साल एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। CR7 reunited. Believe that Barcelona deserved to go through. At the end of the season, it was a disaster. It's just. Thank you. Barcelona have confirmed that Lionel Messi will leave the club, and the club has put it down to economic and structural obstacles. It's an absolute disgrace, and honestly, we have to wrestle back the power in this country from the clubs at the top of this league. It was ruthless, it was swashbuckling, and clarity is that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manchester United manager. Look, the club were Martial will be the best in the world. ये साल सिर्फ फुटबॉल के लिए ही नहीं बल्कि इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा साल था, क्योंकि इस साल इंडियन क्रिएटर्स ने लोगों के साथ मिलकर न जाने क्या कुछ नहीं करा। हम लोगों ने साथ में मैचेस देखे हैं, मैचेस देखते देखते गालियां दी हैं, हमने मैच के बाद अपना ज्ञान शेयर करा, मैच के बाद अपने रिएक्शन शेयर करे, सीरियसली बैठ के सेंसिबली टॉपिक्स डिस्कस करे, टॉपिक्स जैसे कि न्यूज, लेटेस्ट ट्रांसफर सागा, हमने फीफा खेली है बिल्कुल, हमने अपने दोस्तों के साथ पॉडकास्ट बनाए हैं, और इतने सारे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, सारे एक से बढ़कर एक, इंडियन फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल, हर एक चीज शेयर करी है हमने सबके साथ। और हम में से कुछ लोग तो यहाँ बस बकचोदी काटने आते हैं, ये क्या बात हुई। तो मैंने आपके इन्हीं फेवरेट क्रिएटर से पूछा कि उनके इस खट्टे मीठे साल के बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट क्या थे, मे बी यू गाइस कैन रिलेट। What happened to Christian Eriksen at Euro 2020 was absolutely shocking. और समझ नहीं आया था कि क्या हुआ। It was Manchester United versus Liverpool 5-0 से हम हार गए थे। Liverpool ने भाई हमें बर्बाद कर दिया। 5-0 की defeat देखी, मैं अपने live session पर actually फूट फूट के रोने लगा था। Messi leaving Barcelona। उसमें तब तक दिल नहीं मान रहा था जब तक Messi के airport photo नहीं आई थी। That was the worst moment for me। मतलब we never thought that this would happen। Laporta का पूरा जो इलेक्शन स्ट्रेटजी थी वो इट वाज बेस्ड ऑन मेकिंग मेसी साइन, एंड देन ऐसा होता है कि दैट्स द ओनली वन थिंग दैट वी कुडंट डू। एलिसन बेकर के फादर पास्ड अवे एंड आल्सो जर्गन क्लॉप के मदर पास्ड अवे। कोई मैच कुछ मैटर नहीं करता व्हेन द सर्कमस्टेंसेस आर लाइक दैट। ईएसएल हां, फुटबॉल ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। द पासिंग ऑफ सर नोवी कपाड़िया, फॉर एनीवन हु डजंट नो नोवी कपाड़िया सर is a gem for Indian football. If you remember some of his commentary for the Kolkata derby, that still reverberates in some of my ears. Was when Madrid mein when Ramos left. When Ramos left wo kafi mujhe chubha tha kyunki meri pehli game of football was La Decima. Jab Ramos ne wo header score kara tha against Atletico, to mera kafi se ek attainment rahi hai towards Ramos ki haan wo gude wala wo dadagiri wo sab cheeze. I know कि ये साल आप में से बहुत लोगों के लिए इजी नहीं रहा है, पर कोई ना गाइस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर साल दुख के साथ हमें कुछ खुशियां भी देखे जाता है। अर्जेंटीना टेकिंग दैट कोपा अमेरिका, फाइनली सो मेनी फाइनल्स एंड एवरी टाइम दे हैव लॉस्ट, हैज टू बी मेसी विनिंग कोपा, इट हैज टू बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो कमिंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। 12 साल बाद बड़े भैया की घर वापसी, रोनाल्डो को यूनाइटेड किट में देखने का सपना फाइनली पूरा हो गया मेरा। सुनील छेत्री का खेल रत्न पाना, बेस्ट मोमेंट हैज टू बी चेल्सी विनिंग द चैंपियंस लीग, सेकंड चैंपियंस लीग, और बहुत ही मतलब इमोशनल मोमेंट था ये। वो एक्चुअली एक फोटो है, एक इमेज ऑफ रीस विलियम्स एंड नैट फिलिप्स, जिसके बारे में जर्गन क्लॉप ने भी कुछ बात किया था दो दिन पहले, हाउ दे बिकेम द कल्ट हीरोज फॉर अस। मेरे लिए साल का वर्स्ट पार्ट तो प्रोबेबली मेसी लीविंग बाहर से ही रहेगा, लेकिन बेस्ट पार्ट was actually you know this YouTube channel, और ये मेरे लिए नहीं, इस वीडियो में मौजूद मैक्सिमम क्रिएटर्स के लिए है, द सपोर्ट यू गाइज हैव शोन अस,
ये इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी कुछ सालों पहले तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी. पीपल डिडंट इवन न्यू कि हम लोग ये चीज कर सकते हैं. टॉक अबाउट आवर फीलिंग्स रिगार्डिंग अ मैच और रिगार्डिंग आवर फुटबॉल क्लब, रिगार्डिंग द गेम वी लव, फीफा खेलना, सब कुछ करना. तो थैंक्स टू यू गाइज ये वीडियो पॉसिबल हो पाई, ये क्रिएटर्स यहाँ तक जितने भी थोड़ा बहुत पहुँचे हम लोग, सब आप लोगों के प्यार से हैं. एंड अगर आपको लग रहा था कि ये साल क्रेजी था एंड ये वीडियो क्रेजी थी, तो ऑल आई कैन से इज वेट फॉर नेक्स्ट ईयर. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं है, बहुत लेम क्वेश्चन है, बहुत हर बार कोई यही पूछ रहा है. लाइक सही में यही है, अगर मैं देखूं अपने गिरेबार में झांक के, तो व्हेन रोनाल्डो वाज लिंक्ड टू मैन सिटी वो कुछ चंद घंटों की घड़ी बहुत प्यारी थी यार. समथिंग दैट आई कैन नेवर एंड दैट इज ऐसे इंट्रो दूं चूतिया लग रहा है. हियर्स विशिंग एवरीवन अ रॉकिंग एंड अ फैंटास्टिक हैप्पी न्यू ईयर. टेक केयर गाइस, लव यू ऑल.